तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू जज। सो आज हम बात करेंगे 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर और एक 750 वाट की मिक्सर ग्राइंडर में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मॉडर्न किचन में एक मॉडर्न अप्लायंसेस की काफी जरूरत होती है ना। मॉडर्न किचन हमेशा अधूरा है एक मॉडर्न अप्लायंसेस के बिना, जो ना कि सिर्फ फूड प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करता है बल्कि उसे और फास्टर भी बनाता है। तो कैमरा मैन, एक मॉडर्न किचन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अप्लायंसेस क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे नहीं पता। अरे गधे, गजब बेइज्जती है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। मेरा माँ का मानना है कि एक मिक्सर ग्राइंडर जो है भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो उनको बहुत हेल्प करता है उनकी किचन में। क्योंकि हमारे घर में जितने भी डिशेस बनते हैं, यार पूड़ी खा लो या हलवा खा लो या कचौड़ियाँ ही मान लो, हर वो चीज में आपको मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत होती ही होती है ना दोस्तों। तो आइए बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक मिक्सर ग्राइंडर में जो होना ही चाहिए 500 वाट एंड 750 वाट के मिक्सर ग्राइंडर में। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं एक मिक्सर ग्राइंडर को परचेस करने में। बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे आपको यूट्यूब में, बट मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इनकी प्रोडक्ट के बारे में, इसकी टेक्निकल फीचर्स, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सब चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। और अपने नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसे हम परचेस करने से पहले अपने माइंड में, अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे इस चीज को, क्योंकि एक डिफरेंट वोट के मिक्सर ग्राइंडर से आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगी, डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेगी। मिक्सर ग्राइंडर की वोल्टेज से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें इसकी जरूरत डे टू डे लाइफ में है या नहीं। बोलचाल की भाषा में समझाया जाए तो एक मिक्सर ग्राइंडर की जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी एनर्जी कंजम्पशन से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में तो आपको पता ही होगा। नहीं पता? मैं बताता हूँ ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर आप जितनी ज्यादा वोल्टेज की मिक्सर ग्राइंडर लोगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो अगर आपको पैसे बचानी है, पैसे बचाने के पर्पस से ले रहे हो, तो कम वोल्टेज वाली मिक्सर ग्राइंडर को कंसिडर कर सकते हैं। पैसा ही पैसा हो गया। बट मोर वोल्टेज मीन्स मोर रोटेशन दोस्तों, तो ध्यान में रखे इस बात को। इट इज क्रूशियल टू नो अबाउट द आरपीएम ऑफ अ मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि कितना स्पीड घूम रहा है उसका मोटर हमें उससे ही पता चलता है दोस्तों। तो एक 500 वोट की मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो उसकी आरपीएम लगभग 18,000 से लेके 2,000 के बीच में आता है, और अगर एक 750 वोट की मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो वो 18,500 से लेके 2,000 के बीच में आता है, और अगर 1,000 वोट की बात करें तो उसमें उसका जो आरपीएम होता है वो लगभग 18,000 से 22,000 के बीच में रहता है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि एक स्पीड एडजस्ट करने वाली मिक्सर ग्राइंडर को लेना चाहिए, क्योंकि उससे हम स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी तो बल्ले बल्ले। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी पावर कंजम्पशन की बात करते हैं। अगर आप 500 या 750 वाट की मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प करता है ये पैसे बचाने में, क्योंकि ये काफी एनर्जी एफिशिएंट होता है और वो बहुत लो पावर कंजम्पशन होता है दोस्तों। सो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर आपकी डे टू डे ग्राइंडिंग एंड रूटीन ग्राइंडिंग में काफी सक्षम है, और अगर एक 750 वाट के बारे में बात करें तो आपकी हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग एंड डे टू डे ग्राइंडिंग, ये दोनों में काफी सक्षम है दोस्तों। ये दोनों मिक्सर ग्राइंडर दोस्तों केनस्टार की तरफ से आती है। जो पहला मिक्सर ग्राइंडर हमारा है 500 वाट का, उसका नाम है टफी, एंड जो 750 वाट की जो हमारी मिक्सर ग्राइंडर आती है उसका नाम है क्लो। दोनों मिक्सर ग्राइंडर जो है ब्लैक स्लीक कलर में आती है, जो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इनोवेटिव भी लगती है। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, इनमें स्पीड एडजस्टिंग नॉब एंड तीन जार भी दिए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो टफी है दोस्तों हमारे पावर प्लस हाइब्रिड मोटर्स में आती है, जिसमें 6 लिक्विडाइजर ब्लेड भी दी हुई है, 3 जार्स फॉर मल्टी फंक्शन दी हुई है, और इजी टू यूज नॉब जैसा कि मैंने आपके वीडियोस में आपको आगे दिखाऊंगा, इसके इजी हैंडलिंग नॉब्स है इसमें। और आगे बढ़ते हैं, अगर क्लोव के बारे में बात करते हैं, 750 वाट की जो मिक्सर ग्राइंडर है इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दी हुई है दोस्तों, जो कि आपकी ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसमें आपको 30 मिनट की लगातार मिक्सिंग की कैपेसिटी है। पर दोस्तों, मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा आपसे, कभी भी एक मिक्सर ग्राइंडर को आप लगातार 20 मिनट या 30 मिनट ना चलाएं, क्योंकि 20 या 30 मिनट चलाने से उसकी मोटर काफी गर्म हो जाती है और वो प्रॉब्लम आने वाले दिन में काफी प्रॉब्लम करती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप एक मिक्सर ग्राइंडर को कम से कम 2 मिनट के लिए रोटेट करें, फिर बंद करें, फिर रोटेट करें एंड फिर उसे स्टार्ट करें। सो बात करते हैं कंपनी के बारे में दोस्तों,
So, इसकी जो सर्विस है ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है, लगभग 350 डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और इसकी जो सर्विस है बिल्कुल हैसल फ्री है। टू रेज अ सर्विस रिक्वेस्ट, आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको किसी भी तरह का सर्विस रिक्वेस्ट अगर कंपनी से लेना है तो आप लिंक में जाए और उस लिंक को विजिट करें, आपको हैसल फ्री सर्विस मिलेगा। सो यहाँ ख़त्म होता है दोस्तों मेरा वीडियो, अब आपके हाथ में है, एक आपको 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर घर ले जानी है या एक 750 वाट की मिक्सर ग्राइंडर घर ले जानी है। तो ऐसी कुछ वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहे, ऐसे कंटेंट्स मैं जरूर लाऊंगा और आपको सीख देता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।